जा रहा है उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहते हैं। सबसे पहले परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री स्वर्ण पुष्पगन सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य संस्कार प्रणेता मुनि श्री स्वर्ण सौरभ सागर जी महाराज का 24वां श्री पुष्प वर्षा योग मनशापुर महावीर क्षेत्र जीवन आशा हॉस्पिटल ये चतुर्मास महापूज्य गुरुवर श्री की प्रेरणा से एवं सोरा सागर सेवा संस्थान के अंतर्गत जैन समाज द्वारा इस जीवन आशा हॉस्पिटल का निर्माण करवाया जा रहा है। इस हॉस्पिटल के द्वारा दिव्यांग लोगों के इलाज की सुविधा एवं अंग प्रत्यारोपण किया जाएगा, साथ ही साथ यहां पर कैंसर रोगी के लिए इलाज व ट्रामा सेंटर के नवीनतम उपकरणों के द्वारा पूर्ण इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। यह हॉस्पिटल जैन समाज के द्वारा निर्मित किया जाने वाला एक नए उपकरणों के प्रयोग से लोगों का इलाज करने में प्रथम हॉस्पिटल होगा। ये पूरे भारतवर्ष में इस तरह का एक अनूठा और प्रथम हॉस्पिटल निर्माण करवाया जा रहा है। इस हॉस्पिटल का शिलान्यास मुनि श्री सौरभ सागर जी के कर कमलों द्वारा सन 2010 में किया गया था। अब इस वर्ष 2018-19 में इस हॉस्पिटल को शुरू करने का कार्यक्रम रखा गया है। 2018-19 में इस कार्यक्रम इसको पूर्ण करने का उद्देश्य रखा गया है। इस हॉस्पिटल के प्रांगण में ही एक निर्माणाधीन जैन मंदिर का निर्माण हो रहा है, जहां पर 1200 वर्ष पुरानी मनशापुर 1008 मनशापुर महावीर स्वामी की अतिशयकारी प्रतिमा विराजमान की जाएगी। इस पूरे चतुर्मास में बहुत सारे कार्यक्रम होंगे। मुख्य कार्यक्रम 26 जुलाई को प्रातः 8 बजे चतुर्मास मंगल कलश स्थापना की जाएगी, जिसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उसके पश्चात गुरु पूर्णिमा महोत्सव यहां पर प्रातः 8 बजे मनाया जाएगा। तत्पश्चात 28 जुलाई को प्रातः 8 बजे वीर शासन जयंती यहाँ पर मनाई जाएगी, जिसके पश्चात पूज्य गुरुवर के पावन सानिध्य में प्रथम बार देवाधिदेव 1008 श्री मनशापुर महावीर स्वामी के समूह 72 दिवसीय एक मनशापुर विधान का आयोजन किया जाएगा। इसमें जो अभी नए नए कार्यक्रम होंगे उन सबकी जानकारी आप सबको समय पर दी जाएगी। अभी यहाँ पर 26 तारीख को मुख्य कार्यक्रम स्थापना है, 27 तारीख को गुरु पूर्णिमा महोत्सव है और 28 तारीख को वीर शासन जयंती है, जिसमें आप सभी सागर जीवन आशा दिव्यांग अस्पताल इसका शुरू में नाम निर्धारित किया था। उस समय हमारा उद्देश्य था कि हम इसे केवल दिव्यांग लोगों के लिए ही निःशुल्क इलाज चाहे केवल धर्मात्र हॉस्पिटल पर आए दिव्यांग लोगों के लिए था। 2010 में जब इसका शिलान्यास किया गया था तो मूल उद्देश्य ही था, लेकिन समय के साथ चूंकि कुछ विलंब भी हो गया बनने में, 3 से 4 साल में हमने बनाने का निर्माण किया था, लेकिन ऑलरेडी अब 7-8 साल हो चुके हैं। कुछ जमीन की प्रॉब्लम आई, कुछ आई और एक ये कॉलेज का कैंपस था, अगर आप लोगों ने देखा होगा ECMB कॉलेज चलता था, इसको ट्रस्ट ने कुछ उन्होंने दान दिया और ट्रस्ट ने उसे परचेज किया। तो इसमें हमने फिर एक कैंसर का भी ट्रामा सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया है। प्लानिंग थोड़ी सी जो इसका रूप था पहले उतना बड़ा नहीं था, इसे बहुत आज इसके लिए टोटल इसकी अनुमानित लागत लगभग 80 से 100 करोड़ रुपए आने की अंदाज है। और मार्च 2019 में हम इसकी एक यूनिट शुरू कर देंगे, ग्राउंड फ्लोर पे पूरी ओपीडी उससे पहले ही शुरू कर देंगे। बाहर अगर आपने देखा हो अभी बाहर एक ओपीडी सेंटर वगैरह काटने के हिसाब से बुलाया गया तो उसे पहले शुरू करना, मार्च 2019 में एक यूनिट शुरू करें। निःशुल्क इलाज होगा या अगर इलाज का कोई शुल्क निःशुल्क अगर कोई चीज होती है तो उसका दुरुपयोग भी होने लगता है, उस दुरुपयोग को रोकने के लिए अगर कोई शुल्क निर्धारण किया जाएगा, ये समिति निर्णय लेगी 5 रुपए 10 रुपए, जिससे कोई इसका नाजायज इस्तेमाल ना करे। लेकिन उद्देश्य ये है कि समाज के जो कमजोर सबका पिछड़ा हुआ वर्ग है, जो पैसे के अभाव में कैंसर एक ऐसी महामारी है उसका इलाज नहीं करा पाते, बहुत महंगी महंगा इलाज है कैंसर का, तो उसका इलाज 90% निःशुल्क करेंगे। सर ये सभी वर्गों के लिए होगा, सभी समाज जैन समाज का उद्देश्य सभी वर्गों को समर्पित एक अस्पताल देना। जैन समाज इसे बनाने में अपनी भूमिका निभा रहा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैन का इलाज होगा, सभी समाज के सभी वर्गों का, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी समाज से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, सभी वर्गों का इलाज।
और इसमें यहाँ पे उनके ठहरने की व्यवस्था भी नहीं सूट होगी, हमको खाना भी नहीं सूट मिला है। तो इसमें आपके सौरभ सागर सेवा संस्थान से जो है इससे अलग भी कोई सहयोग कर रहा है या इनसे चल रहा है? सौरभ सागर जी की प्रेरणा से ये निर्णय लिया गया था, तो इसलिए संस्थान का नाम, ट्रस्ट का नाम सौरभ सागर सेवा संस्थान रखा गया, जिसमें गाजियाबाद नहीं, हमारे साथ संपूर्ण एनसीआर का जन समाज, दिल्ली के भी लोग हैं, पानीपत के भी लोग हैं। मतलब कहना ये, आपका ये कहना है कि जो जैन समाज है वो सब सहयोग कर रहा है? जैन समाज सहयोग कर रहा है, लेकिन अगर कोई अजैन भी सहयोग करना चाहे तो उसका भी स्वागत कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, हमारी तरफ से ऐसी कोई बंदिश नहीं है, लेकिन हम किसी के पास मांगने नहीं जाते, सहयोग करने के लिए जो भी आएगा उसका हाथ स्वागत। महीने का चतुर्मास है, इसमें सब काम व्यवस्थित ढंग से करेंगे। 26 तारीख का जैसा भी व्यक्ति ने बताया स्थापना समारोह है, उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर नंदगोपाल नगरी जी को बुलाया था, कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के, उन्होंने अपनी आने की सहमति दे दी है, उनका प्रोग्राम भी आ गया है, 9:15 के बीच में उन्होंने आने का टाइम याद दिया है, कार्यक्रम उनका गाजियाबाद आ गया है, वो भी आ रहे हैं, क्या भारतीय जैसे एसएसपी टीम साहब को भी, एसएसपी टीम साहब को आमंत्रित किया है, ये बात है मतलब आप लोग से निकल रहा है प्रेस रूम में, आज तो बहुत है इसमें, आपने स्वाभाविक है, दुख जाति को देखकर नहीं आता, उसी के साथ सेवा भी जाति को देखकर देखी, कीड़ा पर मलम लगाना धर्म है और इसको पूरे अधर्म, मन संपूर्ण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में न्यास किया जा रहा है कि यहाँ पर दुखित पीड़ित प्राणियों के लिए दवा और दुआ दोनों एक साथ मिली हुई, उसके लिए एनसीआर की जन समाज में एक संस्थान का निर्माण किया गया और उस संस्थान के निर्माण के साथ 4 महीने का प्रवास यहाँ पर रहेगा, चारों जैन समाज तो नहीं है 30 किलोमीटर तक, इसलिए आज इस कॉन्फ्रेंस पत्रकारों को बुलाया गया स्वाभाविक रूप से, क्योंकि संत तो 4 दीवारों के बीच में है और पत्रकार उसे 4 दिशाओं में फैला सकते हैं, अगर आपको उत्तरदायित्व तो कर्तव्यनिष्ठ होकर के आगे बढ़ता है तो शायद जन जन तक इसकी उद्देश्य की जानकारी हो जाएगी, ताकि आगामी समय में हमें उनको आमंत्रित करें उनकी पीड़ाओं को दूर करने में सुविधा मिले, इसलिए जैन दर्शन के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी जो भूगर्भ से 1200 वर्ष प्राचीन में प्राप्त हुए हैं, इसका मन कर प्रदान कर रहा है, उनके चरण सन्नि अवगान होने का 26 तारीख से उसकी भूमिका प्रारंभ लेकिन आपके पास अधिकार बहुत है बात को दुनिया तक पहुंचाने का, जीवन आशा अस्पताल इसकी विकलांग और समाज के निम्न दुर्बल वर्ग के लिए कैंसर के इलाज के लिए निःशुल्क इलाज के लिए दिव्यांगों के लिए और कैंसर के मरीजों के लिए उनका निःशुल्क इलाज किया जाएगा, उसके यहाँ नींव रखी गई थी संत रोजा अस्पताल, जिसे 2019 में इसका लोकार्पण करके शुरू करने का विचार, तो आगे क्या क्या इसमें सुविधाएं दी जाएंगी? जैसे धीरे धीरे सारी सुविधाएं ऐड होंगी, लेकिन अभी प्रथम प्रवेश में 2019 मार्च में जो शुरू कर रहे हैं, प्रथम फेज में से शुरू कर रहे हैं, दिव्यांगों का निःशुल्क इलाज उस समय शुरू कर दिया जाएगा, उपचार की सुविधाएं, जनरली जो रूटीन की बीमारियां हैं
मान लीजिए किसी को बुखार हो गया है या कुछ हो गया है, जिससे आस पास का जितना दी जाएगी और कैंसर का स्पेशल इलाज किया जाए। कैंसर का स्पेशल किया जाए विकलांग और कैंसर का स्पेशल हॉस्पिटल और विकलांग का स्पेशल इलाज होगा। वैसे सारी ठहरने की व्यवस्था होगी, कमरे बनाए जाएंगे, खाना भी सभी वर्गों के लिए होगा, सभी वर्गों के, समाज के सभी वर्गों के लिए, किसी एक वर्ग के वर्ग विशेष के लिए नहीं है, समाज के सभी वर्गों के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देने का प्रयास है, जिसे फेस वर्ष से शुरू करके आगे तक बढ़ाएंगे। लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से यह निर्माण किया जाएगा, जो धीरे धीरे ले जाके इसे जो है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल।